नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन रिटेल हम बार बार एक ही बात करते हैं कि रिटेल के अंदर इंप्लॉयिज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट तो एक्चुअली इम्प्लॉयज आर योर ह्यूमन रिसोर्सिस तो कौन कौन सी चीजें हैं विच आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग फ्राम दी रिक्रूटमेंट एंड देन सेलेक्शन ट्रेनिंग कॉम्पनसेशन एंड सुपरवाइजिंग द स्टाफ ये सारी की बातें हैं जो कि एक्चुअली आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि तो उसकी रिक्रूटमेंट भी इंपॉर्टेंट है उसकी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है उसका कॉम्पनशन एंड बेनिफिट इंपॉर्टेंट है एंड देन एट द एंड ऑफ कोर्स उसकी सुपरविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो हम डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को वन बाय वन सबसे पहले हमारे पास ट्रू कॉस्ट ऑफ इंप्लॉई टर्न नॉर्मली अगर एक रिटेलर इस बात को समझ जाए कि हाउ हार्ड इट इज कि अगर कोई आपका इंप्लॉई छोड़ के चला जाता है उसकी कितनी हैवी कॉस्ट है आपको तो अगर वो रिटेलर समझता है ही विल नेवर बी एबल टू मेक नेवर बी एबल टू लेट इज इंप्लॉय गो तो कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास हैं रिक्रूटिंग एंड हायरिंग न्यू इंप्लॉईज इज वेरी इंपॉर्टेंट देर हैजू बी रिटेलर शुड नो के क्या रिक्रूट एन हायरिंग न्यू इंप्लॉय उसकी कॉस्ट क्या है इंप्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है मैनेजमेंट टाइमलाइंस भी है और ऑफ कोर्स जब उसको वो इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई होगा उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी है वो भी ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स वो मिस्टेक्स करेगा इनएक्सपीरियंस्ड होगा इसी तरीके से आपको ये देखना है कि उसको जो कॉस्ट है उसमें फुल पे बेनिफिट्स ट्रेनिंग प्रोडक्टिविटी किस किस क्या क्या चीज़ें आपने देनी है कितना उसको इक्विप करना है कि वो अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को डिलीवर कर सके फिर इसी तरीके से लॉस ऑफ लॉयल कस्टमर्स हैं जो कि इंप्लॉई अगर छोड़ के चले जाते हैं तो उसकी वजह से आपका कस्टमर भी चला जाता है काफ़ी ज़्यादा केसेस के अंदर यह ऑब्जर्व किया गया है कि लोग जो है वो इम्प्लॉयीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं सो एज द इम्प्लॉयी लीव द ऑर्गेनाइजेशन द कस्टमर विल ऑल्सो लीव दैट रिटेल ऑर्गेनाइजेशन तो क्या लॉस होगा एंड दैन लॉस डैमेज रिलेशनशिप विद द सप्लायर सेम इज़ द केस अगर बाइंग डिपार्टमेंट के लोग हैं तो सप्लायर से क्या रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा उसकी क्या कॉस्ट होगी अगर आपका इम्प्लॉय आपको छोड़ के चला जाता है और एम्प्लॉ मोरेल एंड कस्टमर परसेप्शन ऑफ दैट मोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एम्प्लॉई का क्या मोरैल है और कस्टमर कैसे परसीव करता है जिस तरह आप किसी रिटेल स्टोर में जाएं एंड देन यू फील कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं मुझे लगे तो एक्चुअली आपने परसीव किया एज ए कस्टमर मोरियल ऑफ दी स्टोर दम्पलॉयीज तो अगर एक रिटेलर एम्प्लॉय टर्न की कॉस्ट को समझता है कि वट इज़ एक्चुअली द ट्रू कॉस्ट It is not one with the उसके अंदर उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट है उसके अंदर उसके फुल पे एंड बेनिफिट जब तक ट्रेनिंग की कॉस्ट जब तक वो एक प्रॉपरली एक्सपीरियंस एम्प्लॉय नहीं हो जाता वो तमाम कॉस्ट हिस्सा है अगर कोई कस्टमर छोड़ के गया दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट अगर कोई रिलेशनशिप डैमेज हुआ दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट तो जब हम ट्रू कॉस्ट की बात करेंगे तो ये सारी बातें उसके अंदर शामिल हो जाएंगी इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव में वुमेन का रिटेलिंग के अंदर किस तरीके से रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, तो तमाम इशूज़ दे नीड टू बी एड्रेस्ड विद रिगार्ड टू फीमेल वर्कर्स क्योंकि नॉर्मली एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेल वर्कर्स फीमेल वर्कर्स तो ताकि आपके पास एक बैलेंस क्रिएट रहे सो मीनिंगफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए उनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए It should not be only let's say cashier position. So the females should lead up till the level of let's say top management or the or the middle level management, they should go at the top as well. पर, flexible time. important part. Most of the cases came there, the countries like Pakistan, it has been observed females. It is not easy for them to work in the in the night shift or in the late evening shift. So there has to be a flexible timing for the female employees. इसी तरीके से जॉब शेयरिंग अमंग टू मोर इंप्लॉयज और चाइल्ड केयर की फैसिलिटी फॉर द वुमेन शुड बी की थिंग्स इन टू रिटेल बिजनेस और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं सो रिटेल एम्पायर लाइक मैरी के एवॉन आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इट देन हमारे पास माइनॉरिटीज इन टू रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि वट इज रोल ऑफ माइनॉरिटीज सो अगेन द सेम लाइक जिस तरह हमने बात की फीमेल वर्कर्स के हवाले से सो so उसी तरीके से माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी कंसिडर टू दैम एज वन ऑफ द माइनॉरिटीज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लियर पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट कि क्या आपने किस तरीके से आपने इंप्लॉयीज को माइनॉरिटीज़ को यू नो यू मेक देम यू यू इन्वॉल्व देम इन टू एवरी सिंगल थिंग एंड देन एक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए फिर इसी तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए इसी तरीके से एडवांसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और कोई टॉलरेंस लेवल के ऊपर देयर इज दिस हैज टू बी अ जीरो टॉलरेंस फॉर इनसेंसिटिव वर्क प्लेस बिहेवियर यानी कि अगर कोई आप ये कहते हैं कि यार बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम आवर ही इज़ वन ऑफ द माइनॉरिटीज एंड यू ट्रीट हिम बैड दिस इज नॉट अलाउड इन अ परफेक्टली रिटेल स्टोर एनवायरनमेंट इफ यू वांट टू सी द द रोल एग्जैक्टली यू कैन हैव गुड एग्जांपल एंड यू कैन विजिट दैट डाइवर्सिटी इन डॉट कॉम दिस विल गिव यू अ रियल पिक्चर वट यू हैव टू डू with respect to minorities then diversity into retail organization so there are two premises related to it number one and number two so number one is that employees be hired and promoted in a fair and open way without with respect to without any discrimination of gender religion ethnicity background or some reference so there should not be any let's say biasness involved in that and then second part

अंडर एज एम्प्लॉई वर्कर हायर ना करें किसी को भी ऑफ द बुक पे करने की कोशिश ना करें बिकॉज कोई भी आपका एम्प्लॉई अगर किसी को आप ऑफ द बुक पे करते हैं देन इट इज अगेंस्ट द लेबर लॉस देन इट रिक्वायर वर्कर्स टू एंगेज इन इन एक्टिविटीज शुड शुड नॉट डू दैट एंड देन डिस्क्रिमिनेट इन हायरिंग और प्रोमोटिंग वर्कर्स यू लाइक सम वन एंड यू डोंट लाइक सम वन सो रिटेलर शुड नॉट डू दैट वॉयलेट वर्कर सेफ्टी रेगुलेशन इट शुड नॉट बी देयर इन एनी केस आपको प्रॉपर टेकिंग केयर करनी है अपने स्टाफ uh, की सेफ्टी की बी इट फायर सेफ्टी बीट प्रोडक्ट सेफ्टी हर लिहाज सेयर ऑफ देम एंडिस अमेरिकन विद डिबिलिटी एक्ट जिस तरह से एग्जाम्पल रिलेटेड टू अमेरिकन है इसी तरीके से इन एवरी कंट्री देर इज अ डिसेबिलिटी एक्ट सो यूनिट टू सी के दे शुड नॉट डिस दुड नॉट रिटेलर शुड नॉट डिसी ऑफ द डिबिलिटीज एक्ट किसी भी हवाले से उसको कंप्लाई कर, करना है कभी भी उसको नॉन कंप्लायस की तरफ नहीं जाना है एंड देन नन ऑफ द सप्लायर्स दे शुड गो एंड डिसोबे द लेबर लॉस तो आपको एज ए रिटेलर दोनों बातों का ख्याल रखना है विद रिस्पेक्ट टू योर एम्प्लॉज विद रिस्पेक्ट टू योर सप्लायर्स कि ऑल द लेबर लॉज आर कंप्लाइड वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स हमारे पास है जॉब uh, डिस्क्रिप्शन की ऑफ अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सो कौन कौन से एट्रीब्यूट रिक्वायर्स हैं बेशक वो उसकी एनालिसिस स्किल्स हैं क्रिएटिविटी है उसके डिसाइसिवनेस है उसकी फ्लैक्सिबिलिटी है इनिशिएटिव है, है उसका लीडरशिप है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिस्क टेकिंग है उसकी स्ट्रेस टॉलरेंस है तो वो तमाम पॉइंट्स जो कि उसके उसने द वर्क ही हैज़ टू डू एबिलिटी एंड डिज़ायर बोथ वो सारे के सारे आपको नजर आएंगे एक जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर इसी तरीके से रिटेल की चेकलिस्ट uh, बनती है चेकलिस्ट ऑफ सेलेक्टेड ट्रेनिंग डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है मैं क्विकली इसके ऊपर एक लाइट uh, डालता हूं ताकि आपको यू हैव एन आइडिया ऑफ इट सो ट्रेनिंग कब होनी चाहिए किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए उसका कितना ज़्यादा ड्यूरेशन होना चाहिए और न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए क्या वो ट्रेनिंग इन हाउस होनी चाहिए या वो ट्रेनिंग वर्क प्लेस के ऊपर होनी चाहिए या वो क्लासरूम ट्रेनिंग होनी चाहिए वो जो मटेरियल यूज़ हो वो कौन सा ट्रेनिंग मटेरियल यूज हो तो ट्रेनिंग से रिलेटेड तमाम डिसीजन यू हैव टू सी एंड फाइनलाइज एंड देन बिकॉज यही डिफाइन करेगी इफेक्टिवनेस ऑफ योर ट्रेनिंग अगर आप बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग से लेकर उसकी इफेक्टिवनेस तक इट इज़ इंपॉर्टेंट इस परस्पेक्टिव में देन कॉम्पनसेशन से रिलेटेड बात है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इज द कॉम्पनसेशन सो दे आर थ्री एस्पेक्ट टू इट पहला इज द टोटल कॉम्पनसेशन देन सैलरी प्लस कमीशन एंड थर्ड इज द प्रॉफिट शेयरिंग तो अगर हम बात करते हैं टोटल कॉम्पन्शन की सो इट इज़ एक्चुअली द बेसिक सैलरी ऑफ द इम्प्लॉयीज़ प्लस द बेनिफिट्स दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज टेकिंग तो उसके साथ इन एडिशन दट इज अ सेकेंड टाइप जहाँ पर आप उस एम्प्लॉयी को कोई इंसेंटिव या कमीशन भी ऑफर कर रहे होते हैं तो वो इम्प्लॉय की कॉम्पनसेशन की सेकेंड टाइप आ जाती है वेर ही इज गैटिंग सम फिक्स सैलरी एंड ही इज ऑल्सो गेटिंग सम वेरिएबल सैलरी एंड देन थर्ड पार्ट हमारे पास विच इज द प्रॉफिट शेयरिंग जितनी लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन हैं दे नॉर्मली आस्क देयर इंप्लॉयीज देर शुड वर्क एज पार्टनर इन देर बिजनेस सो इस विच मीन्स के एम्प्लॉय को अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग की ऑप्शन भी दी जाती है दैट इफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अचीव अटन प्रॉफिट ऑफकोर्स द इंप्लॉय विल गेट हिस्स आई दर इन दॉर्म ऑफ बोनस शेयर और इन द फॉर्म ऑफ समथिंग बट डिविडेंट

कीप इन टू कंसिड्रेशन रखना है दैट इज एम्प्लॉई का बिहेवियर एंड एम्प्लॉई की मोटिवेशन सो आपका एम्प्लॉयज आइदर दे आर डूइंग सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है अपने टास्क को प्रॉपरली कर रहे हैं डू दे लाइक देअ वर्क अपनी जॉब को पसंद करते हैं उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स फिजिकल वर्क कंडीशन कैसा है डू दे लाइक देर वर्क प्लेस वर्क इन्वायरमेंट पसंद है अपने सुपरवाइजर लाइन मैनेजर को उसके साथ वट इज देयर बिहेवियर उनका कंपनी में कितना कॉन्फिडेंस लेवल है कि लेट्स से आई एम लिविंग फॉर दिस कंपनी आई एम फाइटिंग फॉर दिस कंपनी आई एम वर्किंग फॉर दिस कंपनी एंड देन आई नीड टू ग्रो फॉर दिस कंपनी दिस कंपनी विल ग्रो इन एनी केस तो उसका कंपनी में कॉन्फिडेंस लेवल क्या है इंप्लॉई शुड हैव द नॉलेज ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजी आप क्या करने जा रहे हैं एज ए रिटेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफकोर्स जितना ज्यादा नॉलेज उसके पास इससे रिलेटेड होगा ही विल बी शोइंग मोर पॉजिटिव बिहेवियर एंड ही विल बी मोर मोटिवेटेड लास्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द इम्प्लॉय बिहेवियर इज द रेकग्नीशन ऑफ द इम्प्लॉय तो अगर एक इम्प्लॉय मेन क्योंकि उसका रोल एक इम्प्लॉय का ही है इफ़ इज डूइंग वेल ही शुड बी रिकोग्नाइज प्रॉपरली बिकॉज दैट रेकग्निशन विल बी मोटिवेटिंग हिम एंड विल बी अ गुड थिंग फॉर द अदर इम्प्लॉयज ऑल्सो मोटिवेशन फॉर अदर employees also last part related to the human resource management is the style of supervision which is a supervision of the retail employees jahan ek retailer sari baaton ke upar focus kar raha hai employee ko train kar raha hai usko hire kar raha hai select kar raha hai usko compensation ka khayal kar raha hai uske benefits ka khayal kar raha hai वहाँ दूसरे end के ऊपर वो he is interested के वो लोगों को अपनी team को अपने employees को supervise भी प्रॉपरली करे

और लास्ट बात इसके अंदर है द मैनेजमेंट अप्लाइज सेल्फ मैनेजमेंट अप्रोच तो इफ अ मैनेजर इज मैनेजिंग हिमसेल्फ इज सेल्फ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है सेल्फ मैनेजमेंट अप्रोच के ऊपर काम कर रहा है सो इट इज द आइडियल वे ऑफ सुपरविजन तो इन जनरल बिकॉज देन यू आर फॉलोइंग द फोर आई प्रिंसिपल थ्रू यूर आइज एंड टू आइज ये कंक्लूड करेगा आपको हेल्प करने में एक अच्छे सुपरविजन में एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में इन जनरल स्टार्टिंग फ्राम दिकनिंग किसी भी हवाले से टिल द एंड जहाँ पर सुपरविजन की हमने बात की एक रिटेलर की ख्वाहिश है कि द बिजनेस शुड बी इन इज फुल कंट्रोल तो जहाँ पर हमने बात की कि कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट का की रोल है मोटिवेशन का की रोल है ट्रेनिंग का की रोल है वहाँ सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज़ का भी बहुत अहम रोल है बिकॉज इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर नॉट प्रॉपरली सुपरवाइज इन दिस केस मे बी दर्गनाइजेशन विल बी इन ए पोजिशन टू लूज कंट्रोल और अगर कंट्रोल लूज कर देंगे तो एट द एंड ऑफ द डे द एंडिंग ऑफ द बिजनेस विल नॉट बी अप्रोप्रिएट और विल नॉट बी इन द फेवर ऑफ द दिनर्स और द स्टेक होल्डर्स